Hello students, let's see this question. The question says, in the complete combustion of glucose, if delta H is the enthalpy of combustion and delta U is the heat of combustion at constant volume, then at 25 degrees Celsius, which option is going to be correct? So complete combustion glucose ki baat kar rahe hain. So glucose is C6H12O6 hota hai. Iska combustion karenge, O2 gas. Glucose hamara kya hota hai? Solid hota hai. ठीक है, O2 हमारा गैस होता है, CO2 गैस बनेगा एंड H2O लिक्विड के फॉर्म में आएगा. ठीक है, इसकी इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं. सो यहाँ पर 6 कार्बन हो जाएंगे, 12 करने के लिए यहाँ पर 6 कर दो. और ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड में? इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर आपके 12 है, तो इधर 6 कर दो. ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट क्या हो गई? कंबशन रिएक्शन हो गई ग्लूकोज की. इसके लिए डेल्टा एच बोल रहे हैं जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा एंड डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ कंबशन होगा. सो क्या रिलेशनशिप है आपको ये बताना है. ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में गैसियस टर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो यहाँ पर हम डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे. डेल्टा एनजी इज गैसियस नंबर ऑफ मोल्स का चेंज. सो इट इज एनपी गैस माइनस एनआर गैस होगा. एनपी गैस प्रोडक्ट साइड में कितने गैसियस मोल्स हैं? 6. और रिएक्टेंट साइड में कितने गैसियस मोल्स हैं? अगेन 6. तो 6 माइनस 6 इज 0. एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस सॉरी प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अब सिंस डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा. सो देयर फोर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू निकल के आएगा. सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.